हे hey, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ पॉकेमॉन के स्टोरी लाइन को डिस्कस करने वाले हैं जो एक्चुअली पॉकेमॉन के अंदर लाइक एग्जीक्यूट भाई होने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया भाई ये सब एग्जीक्यूट हुए ही नहीं। उनमें से अगर मैं तुम लोगों को नंबर 10th बताऊं तो या वो है पिज्जॉट की पूरी स्टोरी लाइन, यानी कि पिज्जॉट भाई पॉकेमॉन के अंदर लाइक वापस आ सकता था, लेकिन अभी तक पॉकेमॉन कंपनी वालों ने लाइक वापस नहीं लाया पिज्जॉट को। इसके पीछे एक्चुअली क्या सीन हो सकता है, तो या इसको हम लोग काइंड ऑफ ड्रॉप स्टोरी लाइन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे स्टोरी लाइन कंसिडर कर सकते हैं जो पॉकेमॉन कंपनी ने लाइक सोचा तो था लेकिन पॉकेमॉन कंपनी ने इसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं किया। तो यार नंबर 10 है एशेस रिटर्न फॉर पिज्जॉट। तो यार एक्चुअली एश रिटर्न कभी भी नहीं हुआ पिज्जॉट के लिए, भाई पिज्जॉट वेट कर रहा होगा आज का, लेकिन एश ने भाई बहुत अच्छा काटा है इसका तो। लेकिन अभी तक भाई 8 जनरेशन हो गया है लेकिन ये वापस गया नहीं है। एंड उसी तरीके से नंबर 9 पे आता है लाइक ब्रॉक प्रोफेसर आईवी के पास एक्चुअली क्यों नहीं रहा। तो यार एक्चुअली पॉकेमॉन कंपनी की तो यही सोच थी कि ब्रॉक से थोड़ा सा मूव ऑन करके लाइक दूसरे कैरेक्टर पे लोग शिफ्ट होंगे, लेकिन एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं हुआ जनरेशन 4 तक। तो यार एक्चुअली देखो क्या हुआ था, ऐसा यार पॉकेमॉन कंपनी लाइक कंफर्म भी किया इस चीज को। तो देखो पॉकेमॉन कंपनी के जो फैन बेस है वो जापान के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका में है, राइट। कि अमेरिका में क्या सीन है कि ब्रॉक को थोड़ा सा रेसिस्ट कैरेक्टर बोल के लाइक थोड़ा सा नेगलेक्ट कर रहे थे लोग। अब यार देखो इसी रेसिज्म से बचने के लिए पॉकेमॉन कंपनी ने ब्रॉक को लाइक ड्रॉप कर दिया था इनिशियली, एंड उसके जगह पे पॉकेमॉन कंपनी ने ट्रेसी को लाया इसको रिप्लेस करने के लिए। लेकिन एक्चुअली फिर सब कुछ सही हो गया एंड ब्रॉक पॉकेमॉन के मेन सीरीज के अंदर लाइक रिटर्न कर चुका था। नंबर 8, हम लोगों को लाइक एक्चुअली ऐसा सोचा गया था कि पिकाचू को स्पेशल जगह अपने अपीयरेंस देखने को मिलते, यानी कि यार ऐसा मानो पिकाचू को लाइक पॉकेमॉन कंपनी ड्रॉप करने वाली थी। मतलब यार अब तुम सोचो, तो जैसा कि होता है कि ऐश अपने सभी पॉकेमॉन को ड्रॉप कर देता है जब वो नए रीजन में जाता है, तो यही सेम चीज पिकाचू के साथ भी होने वाली थी। एंड पॉकेमॉन कंपनी ने कुछ ऐसा बोला था कि पिकाचू को कुछ स्पेशल जगह पे लाइक मेंशंस मिलेंगे एंड स्पेशल जगह पे पिकाचू वहां पे वापस आएगा। लेकिन यार एक्चुअली इसकी जो फैन बेस थी वो पॉकेमॉन के सेकंड एंड थर्ड सीजन के अंदर लाइक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, दैट्स व्हाई पिकाचू को ड्रॉप करने का भाई ये कोई प्लान हो ही नहीं सकता था। और बिना पिकाचू की पॉकेमॉन कंपनी लाइक अब अधूरी सी है। मतलब अगर तुम पिकाचू को रिमूव करोगे पॉकेमॉन से तो भाई सही में मजा नहीं आएगा, बिकॉज पिकाचू एक बॉन्ड बना चुका है सभी से। नंबर 7, ये बात है एक फ्लैशबैक की, यानी कि पॉकेमॉन फॉरएवर मूवी के अंदर ओक की अपीयरेंस हुई थी। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि पॉकेमॉन फॉरएवर की मूवी के अंदर लाइक यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके एश पास्ट में गया था एंड वहाँ पे वो मिला था सैमी से। अगर तुम सभी थ्योरीज को थोड़ा सा कलेक्टिवली देखोगे तो हाँ तुम्हें ये पता चलेगा कि प्रोफेसर ओक ही है वो। वैसे पॉकेमॉन कंपनी ने 100% कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन अगर तुम लोग सोचोगे तो यार बहुत सारी सिमिलैरिटीज प्रोफेसर ओक एंड सैमी के साथ देखने को मिली है। लेकिन ये बात छोड़ो, पॉकेमॉन कंपनी ने क्या ड्रॉप किया वो चीज देखते हैं। तो पॉकेमॉन कंपनी ने फ्लैशबैक वो ड्रॉप किया, यानी कि जो मेन स्ट्रीम एनिमे सीरीज है उसके अंदर प्रोफेसर ओक एंड एश का एक फ्लैशबैक हो सकता था। यार वो पॉकेमॉन कंपनी अभी भी कर सकती है क्योंकि यार इसके लिए कोई भी लेट नहीं हुआ है। लाइक जो प्रोजेक्ट मियो का आर्क है उसके अंदर प्रोफेसर ओक का भी एक लाइक मेन रोल होने वाला है, तो उसके अंदर ऐसा भी पॉकेमॉन कंपनी कर सकती है। लेकिन ये बस प्रिडिक्शन है, ये सच होने वाले है कि नहीं ये कोई भी नहीं जानता क्योंकि ये एक्चुअली ड्रॉप हो चुके हैं पहले ही। नंबर 6, एश एंड हो का बॉन्ड, यानी कि एश ने एनिमे के फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही हो को देखा था एंड उसके बाद से हो एक बहुत ही रेयर पॉकेमॉन था एश के लिए एंड एश के लिए एक लकी चार्म की तरह भी हो था। एंड उसी कारण से जब फर्स्ट एपिसोड आया था पॉकेमॉन का तो सभी लोग ऐसा सोच रहे थे कि हो के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मिशन होने वाले पॉकेमॉन के एंडिंग में, एंड अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड क्या वो हो का सीन एंड एश का कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है, बिकॉज यार पॉकेमॉन जर्नीज में भाई यही चीज होनी है, मतलब लेजेंडरी पॉकेमॉन के साथ एनकाउंटर भाई ऑल होने हैं। तो यार यहाँ पे बहुत ही अच्छे चांसेस है कि ये फ्लैशबैक भी लाइक पूरा हो जाए एंड क्या यहाँ पे कौन से मिशन होंगे ये भी देखने लाइक होंगे एंड क्या यहाँ पे आज का कुछ मेजर रोल रहेगा या फिर नहीं, ये भी एक देखने वाली चीज है। नंबर 5, ये एक वियर्ड फेनोमेनन है जो जैकरोम ने किया था पिकाचू के साथ। तो यार देखो जेन 5 के लाइक स्टार्टिंग में जैकरोम ने पिकाचू की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था एंड उस कारण से पिकाचू अपना कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप का लाइक मूव यूज नहीं कर पाया था। तो इसका यहाँ पे मेन रीजन क्या था ये कभी भी कंफर्मेशन आई नहीं है। तब जैकरोम को पिकाचू के अंदर क्या देखने को मिला, अब यार देखो ऐसा हो सकता है कि पिकाचू के अंदर एक्स्ट्रा पावर्स थे, दैट्स व्हाई जैकरोम ने उसकी पावर्स को लाइक एब्जॉर्ब किया। एंड उस टाइम तुम एक और चीज नोटिस करना कि पिकाचू की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी भी एक्चुअली काम नहीं करी थी। तो यार इसका क्या रीजन हो सकता है इसकी भी कंफर्मेशन अभी तक किसी को भी पता नहीं है एंड पॉकेमॉन कंपनी ने ये स्टोरी लाइन को क्यों ड्रॉप किया ये भी किसी को भी नहीं पता।
नंबर फोर ये है टीम रॉकेट के जैसी की स्टोरी, यानी कि टीम रॉकेट के जो जैसी एंड जेम्स थे, इन दोनों का जो मेन मोटिव था कि टीम रॉकेट में आना नहीं था, यानी कि उनके साथ कुछ ना कुछ क्राइसिस हुए जिस कारण से उन लोगों को फोर्सफुली टीम रॉकेट को ज्वाइन करना पड़ा। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स इवल कैरेक्टर्स नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड में देखा है कि इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प भी की है। अब ये देखो इनका मेन मोटिव एनिमी सीरीज के अंदर है पिकाचू को पकड़ना एंड उसको अपने बॉस जिवानी को देना, लेकिन एक्चुअली इनकी स्टोरी लाइन कुछ और ही होने वाली थी, यानी कि ये लोग भी किसी एक रीजन के अंदर एक कलेक्टिवली मेन कैरेक्टर्स होने वाले थे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों का एक मेजर रोल है पोकेमॉन के एनिमी सीरीज के अंदर। अब यार वो भली टीम रॉकेट के तौर पे हो, लेकिन यार एक मेजर रोल तो है। नंबर थ्री, एश के फादर की पोकेमॉन जर्नी। अब यार देखो इसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, यानी कि हम लोग स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में बता दिया गया था एश के फादर भी पोकेमॉन की जर्नी के ऊपर गए हैं, उनका पोकेमॉन की जर्नी में एक्चुअली क्या सीन है एंड वो कहाँ पे है एंड क्या ये फ्यूचर में हो सकते हैं एश के फादर वर्सेस एश, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाले है। एंड कुछ ऐसा हुआ कि एश के फादर भी बहुत ही इमेंसली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन गए, या फिर ये और इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज जो पोकेमॉन के अंदर सबसे ओवर हाइप चीज है वो एश के फादर वर्सेस एश, ये ऑफकोर्स है। नंबर टू, द जीएस पॉल। अब यार देखो जीएस पॉल को कर्ट के पास वापस देने के बाद फिर क्या हुआ उसके साथ, बिकॉज यार देखो जीएस पॉल बहुत ही रेयर आइटम है पोकेमॉन के अंदर एंड जीएस पॉल स्पेशल एक पॉकीबॉल है सेलेबी के लिए। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रोफेसर आईवी से यहाँ पे एश ने लाया था प्रोफेसर ओक के पास, यार इसको कर्ट को देने के बाद एक्चुअली जीएस पॉल के साथ क्या सीन हुआ एंड क्या जीएस पॉल सिंपली अबैंडन हो गया, क्योंकि यार इतना इजीली जीएस पॉल को तो भाई कोई अबैंडन नहीं गया, कोई भी भाई छोड़ेगा नहीं, या फिर कुछ ऐसा है कि पोकेमॉन के राइटर ने जीएस पॉल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचा है। लेकिन फिलहाल के तो जीएस पॉल की जो स्टोरी लाइन है वो ड्रॉप्ड है। नंबर वन, शिपिंग्स। तो यार पोकेमॉन की शिपिंग्स को लाइक थोड़ा सा ड्रॉप दिया गया पोकेमॉन के अभी एनिमे के अंदर, तो एक्चुअली अलोला एंड पोकेमॉन जर्नीज के अंदर कोई शिपिंग्स लाइक दिखाई नहीं गई है। अब यार देखो फैन मेड शिपिंग्स तो होती है, लेकिन जो ऑफिशियली शिपिंग्स होती है जैसे कि स्टार्टिंग में पॉकी शिपिंग थी एंड फिर यहाँ पे आर्मर शिपिंग, राइट, जो यार ये दोनों शिपिंग्स बहुत ज्यादा फेमस है पोकेमॉन के अंदर एंड पोकेमॉन की जो रेटिंग है वो एक्स वाई जी के अंदर भाई इस कारण से भी बड़ी है भाई, एंड तुम एक्स वाई जी की रेटिंग भाई आर्मर शिपिंग कारण से भी बोल सकते हो कि भाई बड़ी है। तो यार पोकेमॉन के अंदर शिपिंग्स को ड्रॉप करने का एक्चुअली ये आइडिया क्यों आया एंड कैसे आया ये किसी को भी नहीं पता है। पोकेमॉन के अंदर शिपिंग्स वापस शायद से जरूर आएंगे, बट ये थे 10 ड्रॉप्ड स्टोरी लाइन पोकेमॉन के एनिमे सीरीज के अंदर, यानी कि 10 स्टोरी लाइन पोकेमॉन कंपनी ने सोचा तो था, ये पोकेमॉन कंपनी ये स्टोरी लाइन को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है एंड ऐसा क्यों है ये तो भाई वही लोग जाने, लेकिन या ये थे 10 स्टोरी लाइन जो पोकेमॉन कंपनी को कंटिन्यू करने चाहिए थे लेकिन एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं किया। और इन 10 चीजों में से तुम लोग कौन सी चीज चाहते हो जो पोकेमॉन कंपनी कंटिन्यू करे एंड वो चीज एक्चुअली में हो ये मुझे बताना तुम लोग कमेंट्स के अंदर। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करे ना और चैनल पर लोग नए हो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अंटिल देन दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।